हेलो बच्चों तो भाई कैसे हो आप सभी आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों अ वेरी वेलकम टू दिस अमेजिंग ऑफ फिजिक्स वाला जहां पर आपका पीडब्ल्यू फाउंडेशन पे आपकी जो माइंड मैप सीरीज में लेकर आ रहा था मैथमेटिक्स के लिए उसमें नेक्स्ट चैप्टर का आज सेशन होने वाला है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी ठीक है तो भाई देखो तुम अपनी डेली लाइफ में भी ये करते रहते होगे कि आज हो सकता है बारिश पड़ेगी आज का मैच हो सकता है इंडिया जीतेगी आज के फुटबॉल अभी रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था भाई भाई वहां पे तुमने दबा के अपने किए होंगे कि भाई इसकी टीम उसकी टीम जीते Finally, टीम जीतेगी जीतेगी उसकी फाइनली मेसी की जीत गई बहुत ही अच्छी बात है मतलब क्या ही बोलू मैं खुशी है मुझे उस चीज की लेकिन आप अपनी जो डेली लाइफ में है वो ऐसे प्रडिक्शन लगाते रहते होंगे जैसे कि तुम स्कूल में बैठ के सोचते रहते हो कि आज ये वाले टीचर नहीं आएंगे लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं ठीक है थीके? तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी किसके अंदर आती है ये सारी चीजें आती है हमारी प्रोबेबिलिटी के अंदर किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को डिटरमाइन करना चांसेस को निकालना ही हमारा किस क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है ठीक है तो यहां पर बच्चों देखो कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल एक फॉर्म्यूला है ठीक है उस एक फॉर्म्यूला से तुम जितना चाहे उतनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो ठीक है आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा था क्लास टेंथ में भी तुम्हें पढ़ना है क्लास नाइन्थ में यहां पर रेंडम एक्सपेरिमेंट नहीं थे क्लास टेंथ में हम ये जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो रेंडम एक्सपेरिमेंट के लिए पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं इस सेशन को ठीक है ना बिना किसी दिक्कत के आज हम मस्त अपना अकार्ड ऑफ डेक यानी कि अ डेक ऑफ कार्ड सॉरी मैं उल्टा बोल गया ठीक है अपना ताश के पत्तों के बारे में बात करेंगे हम पासों के बारे में बात करेंगे क्या कह रहे हो सर ये जुआरी वाली फील आ रही है लेकिन नहीं हमारे मैथ्स में भी इसका बहुत यूज होता है ठीक है तो ताश के पत्ते और हमारा पासे जो होते हैं मतलब जो लूडो वाले पासे होते हैं जिन्होंने आपने लूडो खेला होगा तुम्हें पता होगा उसमें छह नंबर लिखे होते हैं तो ऐसी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं कार्यक्रम ठीक है तो भाई देखो सबसे पहले बेसिक चीजों से ही शुरू कर लेते हैं कि चांसेस जैसे कि अभी मैंने तुम्हें डेली एक लाइफ एग्जांपल के बारे में बताया कि आज बारिश होगी या नहीं होगी ठीक है आपका अगर तुमने एक कॉइन उछाला तो वहां पे भाई उस कॉइन पे हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है कि अब तुम सोच रहे हो कि कौन सा नंबर आ रहा है ठीक है तुम्हारे जो लूडो के वो होते हैं डाइस होते हैं जो डाइस होते हैं जब तुम उन्हें फेंकते हो तो उस पर कौन सा नंबर आएगा ठीक है तुम प्रेडिक्ट कर सके हो कि एक आ जाए काश एक, आ जाता है। एक तो लूडो में मुझे समझ नहीं आता भाई जब एक चाहिए होता है तब आता है जब छह चाहिए होता है तब एक आता है इसके अलग ही चलते हैं लेकिन ये सारी चीजें क्या है चांसेस पर ही तो बेस्ड है ठीक है भाई अब यहां पर कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो फिक्स हैं कि होकर रहेंगे और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो फिक्स है कि कभी नहीं होंगे ठीक जैसे कि भाई सुबह सुबह सूरज निकलेगा सुबह सुबह सूरज निकलेगा रात को मैं सोच के बैठा हूं कि सुबह सूरज निकलेगा तो ये तो एक ऐसा इवेंट है जो हंड्रेड होना ही होना है है ना ये क्या है ये है एक सर्टेन इवेंट यानी कि फिक्स इवेंट उसके अलावा अगर मैं एक पासा फेंकता हूं जिसपे बच्चों क्या लिखा हो एक से लेकर हमारे कितने छह तक के नंबर लिखे हो और मैं उस पर बैठ के एक्सपेक्ट करने लगूं कि उस 14 आ जाएगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 14 तो आ ही नहीं सकता अलावा बीच में भाई वाली हो जाती है जैसे तुमने कॉइन उछाला अब कॉइन उछाला तो उसपे हेड भी आ सकता है उस पर टेल भी आ सकता है तो यहां पर क्या यहां पर हो गए हमारे इवेंट चांस कि भाई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ठीक है तो अब ऐसे ही बच्चों चीजों को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी का ठीक है ऐसे ही चांसेस की जो कि भाई कोई इवेंट कितनी बार हो सकता है किसी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं ये हम प्रोबेबिलिटी में निकालते हैं ठीक है इसमें एक चीज और आती है बहुत बार नाम सुनोगे वो है आउटकम्स ठीक है तो आउटकम्स क्या है व्हेन वी डू एन एक्सपेरिमेंट देन देयर कुड बी डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट आर experiment, experiment मतलब तुमने क्या करा? तुमने एक dice फेका। ठीक है? अब उस डाइस फेंकने पर तुम्हारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है तो ये जो छह अलग अलग एक्सपेरिमेंट ये जो छह अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट तो तुम्हारा एक ही था ना कि तुमने डाइस फेंका ठीक है लेकिन उसके बाद जो वो छह अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या है वो है तुम्हारे आउटकम्स वो क्या है वो है तुम्हारे आउटकम्स ठीक है और यहां पर रेंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है भाई रेंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका रिजल्ट आपको पहले से ना बताओ ठीक है जिसका रिजल्ट आपको पहले से ना पता हो जैसे कि डाइस को थ्रो करना तुम्हारा कॉइन फ्लिप करना ये सारे ऐसे इवेंट है इनका रिजल्ट तुम्हें पहले से नहीं पता होता इसीलिए तो ये सब किए जाते हैं तुम्हारा कॉइन फ्लिप क्यों किया जाता है मैथ से पहले वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई उसमें हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी सेम है ठीक है इसीलिए हमेशा कॉइन फ्लिप होता है कि भाई 50 परसेंट चांस एक बंदे के जीतने के हैं फिफ्टी परसेंट चांस एक बंदे के जीतने के हैं किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं होती है है ना तो इसीलिए हम हमेशा जब भी मैच स्टार्ट होता है उससे पहले क्वाइन फ्लिप करते हैं बैटिंग और बॉलिंग के लिए जिसे हम टॉस बोलते हैं टॉस बोलते हैं है ना मेरे लाल तो भाई देखो अब ये हो गया आउटकम outcome, अब आउटकम्स की हेल्प से ही हमारा क्या निकल जाता है प्रोबेबिलिटी निकल जाती है कैसे आ जाओ भाई बात कर लेते हैं तो देखो यार प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल डायरेक्टली एक फॉर्म्यूला है जो कि यहां तुम्हारे सामने लिखा हुआ भी है ठीक है क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारा नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ठीक है या फिर हम इसे ही बोल देते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कॉइन फ्लिप किया एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन फ्लिप किया ठीक है तो कॉइन फ्लिप करने पर क्या होगा या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, है ना या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए या टोटल आउटकम कितने हो गए हो गए टोटल आउटकम हो तुम्हारे या या तो result, या तो रिजल्ट हेड आएगा टेल आएगा और उसके अलावा मान लो मैं चाहता हूं कि हेड आ जाए मैं चाहता हूं कि हेड आ जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैं चाहता हूं हेड आ जाए तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है फेवरेबल आउटकम है वन ठीक तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो देखो प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ई -E से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो यहां पर मैं लिखता हूं पी एच यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों ये ये हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है भैया हेड आना चाहिए तो मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वन ठीक है और टोटल आउटकम कितना है टोटल आउटकम है तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है हेड आने की वो कितनी होती है वो होती है वन बाय टू ठीक है और बच्चों यहां पर अगर तुम टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे ना टेल आने की प्रोबेबिलिटी कॉइन फ्लिप के केस में अगर तुम टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे पीटी तो वो भी कितनी आएगी फेवरेबल आउटकम है वन और टोटल आउटकम है टू तो बेटा ये भी तुम्हारी वन टू ही आती है तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं जब भी ऐसी चीज होती है जहां पर हमें दो चीजों के बीच में डिसीजन लेना होता है जहां पर हमें दो चीजों के बीच में डिसीजन लेना होता है ना वहां पर हम कॉइन फ्लिप करा देते हैं क्यों क्योंकि इसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है तो ये भी जीत सकता है और ये भी जीत सकता है इसीलिए ठीक है तो समझ में आया सबको प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है इस पूरे उसमें और कुछ नहीं है बस यही है इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है बस यही है बस एक फॉर्मूला और आएगा आगे चल के जहां पर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ठीक है और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज लाइक वन माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसे हम पीई डैश -E से रिप्रेजेंट करते हैं किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी लाइक पीई डैश ठीक है तो ये होती है वन माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि वन माइनस पीई ठीक है तो ये दो फॉर्मुले हैं जिनसे तुम अपना सारा का सारा काम बड़े प्यार से कर सकते हो और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में खत्म टाटा गुड बाय गया पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है बस यही है ठीक है तो एक बार ये दोनों फॉर्मुलेज फॉर्मूलाज जो है वो नोट कर लो और हम सीधा इनके क्वेश्चन पे चलेंगे और कुछ नहीं है इनमें बस यही है ठीक है बस तुम्हें क्या करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कभी तुम्हें ताश के पत्तों के बारे में बात कर लेगा कभी तुम्हें बात कर लेगा डाइस के बारे में कभी तुम्हें बात कर लेगा कॉइन्स के बारे में ठीक है कभी कुछ ऐसे इवेंट्स दे, दे देगा जहां पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही होगी तो वो सारी चीजें हैं जो कि हमें खेलनी है अब और वो सब कहा खेलेंगे क्वेश्चन में ठीक है मेरे लाल तो शुरू करें शुरू करें चलो शुर� तो देखो पहले हम बात करेंगे ताश के पत्तों की क्योंकि अगला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो ताश के पत्तों का ही है तो मैं तुम्हें समझा देता हूं देर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्ड ठीक है मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल वरना मैं दिखा देता तुम लोगों को ठीक है यहां पर चार तरीके के कार्ड होते हैं ठीक जिनमें से दो हमारे रेड होते हैं ठीक है दो हमारे रेड होते हैं और दो हमारे ब्लैक होते हैं ठीक दो रेड होते हैं दो ब्लैक होते हैं ठीक अब इसके बाद बच्चों देखो इसमें कार्ड होते कौन कौन से हैं पहला ए पहला होता है हमारा ए उसके बाद ए का मतलब हो जाता है एक इसे हम इक्का बोलते हैं या फिर एस बोलते हैं ठीक है ए दो तीन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ये हो गया उसके बाद आता है हमारा जे यानी कि जोकर फिर आता है हमारा सॉरी जे अलग होता है ये होता है जैक जे यानी कि जैक क्वीन और किंग ठीक है ये जो तीनों होते हैं जैक क्वीन और किंग ये फेस कार्ड होते हैं बच्चों ये होते हैं फेस कार्ड तो एक डेक में एक कार्ड की जो गड्डी होती है उसमें हर कलर के या हर टाइप के तेरा तेरा कार्ड होते हैं टोटल तुम गिन सकते हो कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ठीक है हर तरीके के थर्टीन कार्ड होते हैं थर्टीन इसके थर्टीन इसके थर्टीन इसके एंड थर्टीन इसके तो टोटल तो 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 अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाते हैं एक डेक में हमारे टोटल तो नंबर ऑफ कार्ड होते, होते हैं फिफ्टी टोटल नंबर ऑफ कार्ड ठीक है तो एक डेक में ये होता है टोटल फिफ्टी टू ठीक तो इस चीज को याद रखना है ना अब सीधा हम आ जाते हैं किस पे हमारा इन पर बेस्ड क्वेश्चन पे ठीक है क्योंकि कार्ड वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और पहला क्वेश्चन तुम्हारा है भी उसी में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड इफ फॉलोइंग कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स और हमें रिमूव क्या करना है रिमूव करना है ऑल एसेस एसेस क्या होते हैं मैंने बताया था ए ए जो होते हैं वो हमारे एसेस होते हैं है ना तो अब अगर ये बोल रहा है कि 52 कार्ड्स के डेक में से तुम्हारे जो एसेस हैं वो रिमूव हो गए तो एसेस कितने होते हैं हमारे एस होते हैं हमारे टोटल चार तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ कार्ड अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल्स टू देखो भाई वैसे तो 52 टू कार्ड हमारे लेकिन 52 टू कार्ड में से कितने एलिमिनेट हो गए ऑल एलिमिनेट हो गए तो ऑल एस बोले तो हमारे चार कार्ड हैं ठीक है चार ए से चार इक्के है हमारे वो हट गए तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आ गए हमारे पास 48 ठीक है अब हमें क्या चाहिए देखो ये तो हो गया टोटल आउटकम हमें क्या चाहिए हमें चाहिए फे, फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए भाई हमें चाहिए हमारा फेवरेबल आउटकम तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा फेवरेबल आउटकम ये ये बोल रहा है कि गेटिंग अ ब्लैक फेस फेस कार्ड कार्ड कौन से होते हैं मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं ठीक है क्या है भाई अपने पास क्या क्या है देखो हमारे पास है हमारा जैक ठीक है क्वीन और किंग टोटल मिला के बारह हमारे पास क्या होता है फेस कार्ड होते हैं जिनमें से ब्लैक कौन कौन से हो गए ब्लैक होते हैं हमारे टोटल एक तो भैया हमारा ये फ्लार का जो होता है इसे चिड़ी बोलते हैं वैसे तो लेकिन ये फ्लार शेप होता है ठीक इसके अलावा हमारा स्पेड हो गया एक ठीक तो ये दोनों हमारे ब्लैक होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ब्लैक फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए सिक्स हो गए टोटल ब्लैक फेस कार्ड सो तो ब्लैक फेस कार्ड हो गए हमारे पास सिक्स तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड तो वो कितनी हो जाएगी पी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स तो फेवरेबल हमारे आउटकम्सम ब्लैक फेस कार्ड जो कि सिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि फोर्टी एट तो सिक्स अपॉन फोर्टी एट कर लो भाई सिक्स वन जा सिक्स एट जा फोर्टी एट आंसर खत्म बात ठीक है वन बाय एट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड इफ वी रिमूव ऑल एसेज फ्रॉम द डेक ऑफ ऑफ ए वेल पैक दफल ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ठीक है भाई क्लियर हो गई बात पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज समीक्षा हैड अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स शी टुक आउट ऑल ऑफ दी फेस कार्ड्स तो अब जितने भी फेस कार्ड थे वो हट चुके हैं डेक में से ठीक है एंड शफल द रिमेनिंग कार्ड्स वेल नाउ शी टुक आउट अ कार्ड फ्रॉम इट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर एन एस नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर एन एस तो देखो भाई तुम्हें पता है कि टोटल कितने हमारे पास फेस कार्ड होते हैं टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे पास कितने ट्वेल्व फोर जैक फो क्वीन फोर किंग्स ठीक है ट्वेल्व फेस कार्ड हो गए तो पहले तो उसने सबसे पहले इन्हें ही हटाया है. ठीक है उन भाई साहब ने इन्हें सबसे पहले हटा दिया समीक्षा ने इन्हें हटा दिया सो so, हमारे पास टोटल टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ कितने हो गए इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गए कितने ये हो गए टोटल नंबर ऑफ कार्ड फिफ्टी टू माइनस ट्वेल्व सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो गए फोर्टी ठीक है अब इन 40 कार्ड्स में से हमें किस चीज के बारे में बात करनी है हमें बात करनी है कि ना तो ब्लैक आए और ना ही एस आए तो देखो ब्लैक और एस नहीं आना चाहिए ठीक है तो अब एक बात बताओ 40 कार्ड्स में से कितने कार्ड ऐसे होंगे जो ब्लैक होंगे सोच के देखो 40 कार्ड्स में से कितने कार्ड ऐसे होंगे जो ब्लैक होंगे तुम्हारे ऑलरेडी कितने ब्लैक कार्ड हट चुके हैं तुम्हारे ऑलरेडी कितने ब्लैक कार्ड हट चुके हैं एक तो इसके तीन ब्लैक कार्ड हट गए हैं जैक क्वीन और किंग ठीक है और एक जो तुम्हारा स्पेड होता है ब्लैक हार्ट जो होता है उसके तुम्हारे तीन कार्ड हट गए हैं जैक क्वीन और किंग तो ऑलरेडी छह कार्ड तो तुम्हारे ब्लैक वाले हट ही चुके हैं पहले से ही तो इन्हें तो छोड़ दो अब कितने कार्ड होता है टोटल ब्लैक ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं हर तरीके के हमारे थर्टीन थर्टीन कार्ड होते हैं थर्टीन में से तीन हट गए टेन इसके बचे टेन इसके बचे ठीक है यानी कि टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं टोटल ब्लैक कार्ड है ट्वेंटी ठीक है अपने पास जो टोटल ब्लैक कार्ड है वो है ट्वेंटी ठीक है टोटल ब्लैक कार्ड जो है वो ट्वेंटी है ठीक और इन ट्वेंटी में हमारे दो एस आ चुके हैं ऑलरेडी इन ट्वेंटी में हमारे दो एस ऑलरेडी आ चुके हैं तो हमारे दो एस तो आ गए ब्लैक कार्ड में बाकी के कितने एस बचे टोटल चार होते हैं दो ब्लैक में आ गए दो रेड वाले और बचे तो यानी कि हमारे पास टोटल जो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है कि भाई या तो ब्लैक कार्ड आ जाए या एस आ जाए उसके लिए फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा फेवरेबल आउटकम है आउटकम इज 22. इस 22 में तुम्हारे चार एस हैं और बचे हुए ब्लैक कार्ड है ठीक है अब हमें क्या चाहिए यहां से हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पीई -E. ये कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी गेटिंग अ ब्लैक कार्ड और एस तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 22 टू बाय फोर्टी ठीक है विच इज इक्वल्स टू 11 बाय ट्वेंटी ठीक है लेकिन हमें क्या चाहिए भाई हमें चाहिए नॉ नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर एस नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर एस तो मैंने बताया था किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वन माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी के तो पीई डैश विल बी वन माइनस पीई वन माइनस पीई तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो याद आएगा वन माइनस इलेवन बाई ट्वेंटी ठीक है अपने पास कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो जाएगा ट्वेंटी माइनस इलेवन अपॉन ट्वेंटी यहां से पीई -E डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी माइनस इलेवन कितना हो गया नाइन बाय ट्वेंटी सो नाइन बाय ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि तुम क्या करो तुम्हें चाहिए नाइदर ब्लैक कार्ड नॉरे तो ब्लैक कार्ड और एस को छोड़कर बाकी के जितने भी कार्ड हैं यानी कि तुम्हारे रेड कार्ड जो कि कितने होंगे तुम्हारे टोटल ब्लैक कार्ड थे ट्वेंटी तो रेड कार्ड कितने बचे ट्वेंटी ठीक है और उनमें से एस हटा दो तो भैया रेड कार्ड के दो एस होंगे दोनों एस हटा दिए तो कितने बचे एटीन ठीक है तो तुम वहां से भी निकाल सकते हो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी रेड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी वो भी बिना एस के तो 18 बाई फोर्टी करोगे उसे सॉल्व करोगे तब भी तुम्हारे पास आंसर 9 बाय ट्वेंटी ही आएगा ठीक है तो दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉक्स कंटेन एट रेड पेंसिल एंड सम ब्लू पेंसिल्स फ दि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू पेंसिल इज थ्री टाइम्स ऑफ अ रेड पेंसिल देन द नंबर ऑफ ब्लू पेंसिल इन दी बैग तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखने में कॉम्प्लीकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं ठीक है तो देखो रेड पेंसिल अपने पास कितनी है एट है लेट अपने पास जो ब्लू पेंसिल है वो कितनी हो जाएंगी इसे एज्यूम कर लो एक्स है तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारी x प्लस एट तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पी आर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पी आर यानी कि रेड पेंसिल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई एट बाई एक्स प्लस एट और पी बी यानी कि ब्लू पेंसिल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई एक्स अपॉन एक्स प्लस एट सो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि ब्लू पेंसिल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड पेंसिल निकालने के की प्रोबेबिलिटी की थ्री टाइम्स है यानी कि पी बी इज थ्री टाइम्स ऑफ पी आर ठीक है ये हो जाएगा कितना हमारा एक्स अपॉन एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू थ्री इंटू एट अपॉन एक्स प्लस एट ठीक है बस इसे क्या करो सॉल्व कर लो यहां पर क्या जाएगा अपने पास जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर ले आओ और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स एट थ्री जब ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने पास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर इंटू एक्स प्लस एट देखो तुम चाहो तो इसे यहां से यहां पर कट करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो तुम x ट को x प्लस एट से कट कर दोगे तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 24 और तुम आंसर नंबर लगा दोगे b एकदम करेक्ट तो देखो ये गलत नहीं है ठीक है ये गलत नहीं है लेकिन इस केस में ये सही आ रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार सही आएगा ठीक है हो सकता है यहां पर आंसर हमारे दो आए क्योंकि जब तुम इसे सॉल्व करोगे बिना कट करे जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये क्वारिटिव एक इक्वेशन बनाएगा देखो अभी ठीक है अपने पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स इज इक्वस टू ट्वेंटी फोर एक्स और एट फोर जा थर्टी टू कैरी गया हमारे पास कितना टू 19, ठीक है उठाकर इधर ले आओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस वन नाइनटी टू इज टू जीरो पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स करेंगे तो यहाँगा माइनस के कितना सिक्सटीन एक्स माइनस वन नाइनटी टू इज इक्व टू जीरो अब ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे सॉल्व कर लो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है देखो यहां से तुम्हारे पास दो आंसर निकल कर आएंगे एक तुम्हारा नेगेटिव होगा एक तुम्हारा पॉजिटिव होगा ठीक है जो पॉजिटिव वाला होगा वो ट्वेंटी फोर आएगा ठीक तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है निकालने को तुम यहां से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट लेकिन हर केस में जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो आंसर है वो कट करने के बाद सेम आए ठीक है, है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमेशा पूरा का पूरा सॉल्व करके ही क्या करना क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक ऐसे डायरेक्ट कट करके आंसर मत निकालना पूरी की पूरी इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना ठीक है इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप तुम लोग खुद से ठीक है बहुत आसान चीज है ये कर लोगे ना चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि doublet, तो देखो भाई क्वेश्चन आइडल एंड गेटिंग बोर्ड सो दे आर स्टार्टिंग प्लेइंग गेम पेयर ऑफ डाइस दैट वन ऑफ देम हैड ठीक है ईच ऑफ देम स्टार्टेड रोलिंग द पेयर ऑफ डाइस वन बाय स्टार्टिंग स्टेटिंग अ कंडीशन बिफोर रोलिंग दो बंदे थे एक सैम और एक राम ठीक है दोनों बैठकर अपना बोर हो रहे थे और उन्होंने दो डाइस लिए और फेंकने शुरू किए ठीक है, है और फेंकने से पहले उन्हें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बोलनी थी नंबर से रिगार्डिंग ठीक अगर डाइस फेंकने पर वही स्टेटमेंट करेक्ट हो गई तो वो बंदा जीत जाएगा और उसे पॉइंट मिल जाएगा ठीक तो यहां पर हमें स्टेटमेंट दी गई है अ डबलेट कि भाई बंदे ने बोला कि एक डबलेट आएगा ठीक तो जब हम दो डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं कितने होते हैं किसी को याद है कुछ इस तरीके से बनाते हैं अगर याद हो तो वन 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 टू वन थ्री वन फोर ठीक है वन फाइव वन सिक्स ठीक फिर ऐसे ही टू वन फिर टू टू फिर टू थ्री है ना और इस तरीके से कहानी आगे चलती है और ऐसे ही नीचे भी चलती है कहां तक ये चलती है सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स तक ठीक है तो यहां पर अगर तुम निकाल के देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इस तरीके से तुम अगर लिखते चले जाओगे तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनते हैं थर्टी सिक्स इसमें से डबलेट कितने होते हैं इसमें से डबलेट कितने होते हैं तो डबलेट मतलब वो जब आपके जो डाइस है उन पे सेम नंबर आए जैसे कि वन वन जैसे कि वन वन टू टू ठीक है ऐसे ही तुम्हारे पास आगे आएगा मैं बता देता हूं वन वन हो गया एक डब्लेट एक हो गया टू टू एक हो गया थ्री थ्री फिर एक हो गया फोर फोर फिर एक हो गया फाइव फाइव ठीक है और लास्ट में एक हो गया सिक्स सिक्स तो टोटल अगर मैं डब्लेट की बात करूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डब्लेट होते हैं हमारे जब आप दो पेयर एक पेयर जो है डाइस का वो थ्रो करते हो है ना सो यानी कि हमारे पास डब्लेट कितने हो गए डब्लेट हो गए हमारे पास सिक्स तो एक डब्लेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है थर्टी सिक्स यानी कि वन बाय सिक्स दिस इज आर आंसर प्रोबेबिलिटी इतनी ही आसान है खत्म बात ऑप्शन नंबर ए इज एप्सोलूटली करेक्ट खत्म बात तो इतनी आसान है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी अब प्रोबेबिलिटी में और कुछ नहीं है बच्चों जो एक फॉर्मुला तुम्हें मैंने बता दिया है उसी एक फॉर्मूले पे बेस्ड तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ठीक है अपना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा एक काम करो ये लो तुम्हारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दे देता हूं तुम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है चलो बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अपना पढ़ते रहो टेक केयर टाटा और बाय बाय